प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीवी नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। पीएम मोदी की इस घोषणा पर दिल्ली दौरे पर रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय समूचे देश के लिए प्रसन्नता का विषय है। मुख्यमंत्री यादव ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है। इस क्रम में उन्होंने कहा कि एक ओर जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के किसानों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो वहीं पीवी नरसिंह राव जी के वित्तीय प्रबंधन ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, तो वहीं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाना कृषि जगत के लिए उल्लास का क्षण है और वैज्ञानिक जगत के लिए गौरव की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनके नेतृत्व में ऐसे लोकतंत्र के एक तरह से सेनानी, जिनके कारण से देश में उनकी एक खास छवि बनी और जो पूरे भारत के लिए अपने आप में न केवल अपने वर्ग का नेतृत्व करते थे बल्कि अपने बलबूते पर भारत का मान बढ़ाने में जिनने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे चौधरी चरण सिंह जी जिनने आपातकाल का डटकर विरोध किया, किसानों की लड़ाई लड़ी, उनका बेदाग जीवन उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आज भी वो सर्वहारा वर्ग के एक बड़े नेता के नाते से जाने जाते हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बधाई देता हूँ और आभार भी मानता हूँ माननीय मोदी जी का, जिनने अपने भारत रत्न देने में इतनी उदारता दिखाई कि वो जनता दल के नेता को भी भारत रत्न देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस के भी पूर्व अध्यक्षों को, जो पहले भी उनने महामना मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस के तत्कालीन समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको भी भारत रत्न दिया था। ये मोदी जी का बड़ा विजन है कि वो ऐसे, अभी नरसिंह राव जी को जिस प्रकार से उनने भारत रत्न दिया है, हम सब जानते हैं कि नरसिंह राव जी के लेकर के कांग्रेस ने, अभी उनके पोते ने जो ट्वीट किया है वो अपने आप में इस बात का उल्लेख है कि नरसिंह राव जी का राजनीतिक जीवन तो कांग्रेस के लिए समर्पित पूरा रहे ही है, बल्कि नरसिंह राव जी ने सभी क्षेत्रों में भारत सरकार के लिए एक तरह से विकास के नए दरवाजे खोले। ऐसे हरित क्रांति के बड़े नेता और खास करके कृषि क्षेत्र में जो हमने अपना काम किया है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया है, ये समूचे किसानों के लिए, कृषि जगत के लिए एक उल्लास का क्षण है। मैं उनके इस बड़े निर्णयों के लिए, तीनों निर्णयों के लिए भारत रत्न के आधार पर माननीय नरसिंह राव जी का, माननीय चौधरी चरण सिंह जी का और डॉक्टर स्वामीनाथन का भारत रत्न देने पर मैं आभार लेता हूँ।